सूत्रधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। आप सुन रहे हैं सूत्रधार प्रस्तुति व्यास जी द्वारा रचित महाभारत और मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस एपिसोड की। महाभारत के शुरुआती पर्व अनुक्रमणिका पर्व, पर्व संग्रह पर्व, इन दोनों ही पर्वों में हमें पूरी महाभारत का सारांश मिलता है, जिसमें भगवान वेद व्यास जी अपने शिष्य वैशंपायन जी को आज्ञा देते हैं कि वे जन्मेजय के नाग यज्ञ में सम्मिलित सभी सदस्यों को महाभारत सुनाएं। यज्ञ के बीच में अवकाश मिलते ही वैशंपायन जी सबको कथा सुनाते हैं, जिसमें उन्होंने 100,000 श्लोकों वाली महाभारत सभी ऋषियों को सुनाई और सभी को ज्ञान देते हुए बताया कि कैसे व्यास जी ने अपनी माता सत्यवती और गंगा पुत्र भीष्म की आज्ञा से विचित्र वीर्य की पत्नी अंबिका आदि औरतों के गर्भ से 3 तेजस्वी पुत्र उत्पन्न किए, जिनका नाम धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर रखा गया। महाभारत में व्यास जी ने 24,000 श्लोकों की संहिता बनाई थी, जिसका नाम भारत रखा गया, जिसके बाद व्यास देव ने एक संक्षिप्त अध्याय बनाया जिसमें केवल 150 श्लोक थे। इसी के साथ आपको एक रोचक बात और भी बताती हूँ। क्या आपको पता है कि महाभारत ग्रंथ का अध्ययन सबसे पहले किसने किया और किसके द्वारा किया? चलिए इसका जवाब भी मैं आपको देती हूँ। महाभारत ग्रंथ का सबसे पहले अध्ययन व्यास जी के द्वारा अपने पुत्र शुकदेव जी को कराया गया था और इसके बाद अन्य शिष्यों को इसका उपदेश दिया गया। व्यास जी ने देव, यक्ष तथा असुर सबको महाभारत की कथा सुनाई, परंतु मनुष्य लोक में भगवान व्यास जी के शिष्य धर्मात्मा वैशंपायन जी ने इसका प्रवचन दिया। महाभारत के मुख्य पात्रों यानी धृतराष्ट्र, पांडु, दुर्योधन, युधिष्ठिर, अर्जुन, शकुनी सभी को और अच्छे से समझने के लिए महर्षि ने सभी पात्रों का वर्णन करते हुए बताया है कि दुर्योधन क्रोध से भरे हुए वृक्ष के समान है, जिसमें कर्ण स्कंद यानी के तना है और शकुनी शाखा और दुशासन फल और फूल हैं, और इन सब का मूल है धृतराष्ट्र। वहीं दूसरी ओर है पांडव। यहाँ युधिष्ठिर धर्म से भरे हुए विशाल वृक्ष हैं, अर्जुन स्कंद यानी के तना है, भीम शाखा है और माद्री पुत्र फल और फूल हैं, और इन सबका ही मूल है श्री कृष्ण, वेद जी और ब्राह्मण। इसी तरह हम भी एक वृक्ष हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि हम खुद तय कर सकते हैं कि हमें कैसा वृक्ष बनना है, दुर्योधन जैसा क्रोधी या युधिष्ठिर जैसा धर्मी। अब हम बात करते हैं पर्व संग्रह पर्व की। इस पर्व में हमें समंत पंचक क्षेत्र, अक्षोहिणी सेना, महाभारत में वर्णित सभी पर्वों का वर्णन मिलता है, जिसे हम आम भाषा में समरी भी कह सकते हैं, लेकिन हम पूरी महाभारत को विस्तार से समझने वाले हैं और इसीलिए हम इस पर्व की मुख्य बातों पर ही चर्चा करेंगे। इस पर्व में आपको अनेकों कथाएं सुनने को मिलेंगी, जैसे कि भगवान परशुराम जी द्वारा क्षत्रियों का संहार क्यों किया गया और समंत पंचक क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ। जब परशुराम जी ने त्रेता और द्वापर युग की संधि के दौरान राजवंशियों का संहार किया तो उन्होंने उस भूमि में रक्त के 5 सरोवर बना दिए। जब उन्होंने रक्त के उन सरोवरों में अपने पितरों का तर्पण किया तब उनके पितरों ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा। परशुराम जी बोले, हे पितरों, मुझ पर लगा राजवंशियों की हत्या का पाप धुल जाए
और यह सरोवर तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हो जाए। पितरों ने परशुराम जी को आशीर्वाद दिया और बचे हुए राजवंशियों का संहार रोककर उन्हें क्षमा कर देने की बात कही। इसके बाद परशुराम जी शांत हो गए। बाद में इसी भूमि पर कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। अतः पांच सरोवर होने और सेनाओं का अंत होने के कारण ही इस क्षेत्र को समंतपंचक कहा गया। हमने अक्षोहिणी सेना का नाम तो बहुत बार सुना है, लेकिन क्या आपको पता है कि अक्षोहिणी सेना में घोड़ों की, सैनिकों की और रथों की कितनी संख्या होती है? चलिए मैं बताती हूँ। एक अक्षोहिणी सेना में घोड़ों की ठीक ठीक संख्या 65,610, रथों की संख्या 21,870, हाथियों की संख्या 21,877, पैदल सैनिकों की संख्या 109,350 कही गई है। इस पर्व में छुपी हुई और रोचक कहानियों का आनंद लेने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। यहां आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण के साथ सुनाई जाएगी। अब अगले एपिसोड में हम शुरुआत करेंगे पौष्य पर्व की। पौष्य पर्व में हमें पता चलेगा कि कैसे महाभारत इन अलग अलग कहानियों से जुड़कर एक संपूर्ण महागाथा बनी है। उन कहानियों को सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये कहानियां भी महाभारत से इतने अनोखे तरीके से जुड़ी हुई हैं। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते। आप सभी लिसनर्स का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए सेफ रहिए और हमारी संस्कृति से जुड़े रहिए।